श्रीनगर के बीचों बीच आज ऐसा एक इस एक जिम का एक इनॉग्रेशन यहाँ पे हुई है। ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि पिछले 70 सालों से यहाँ की युवाओं ने काफी मुसीबतें देखी हैं, काफी परेशानियां देखी हैं, लेकिन आज बड़े खुशी की बात है। जहाँ तक हमारी सेहत का ताल्लुक है, हम पिछली बार कई बार हमने ये बात कही है कि माननीय होम मिनिस्टर साहब, उनसे भी हम मिले। पिछली बार हमने उनसे भी यही कहा कि आप यहाँ के नौजवानों को मौका दीजिए बात करने का, उन्हें एक स्टेज दीजिए ताकि वो अपने टैलेंट को आगे रख सकें। और मुझे खुशी है जिस तरीके से चिराज जी ने आज पहली बार इस तरीके से हमारी बहनों के लिए, हमारी माओं के लिए एक ऐसा कदम उठाया है। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी यहाँ पे अपनी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपनी बहनों को देकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो कश्मीर का नाम नेशनल लेवल पर नहीं इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचा सकते हैं। आप ही में वो टैलेंट है जो कश्मीर का नाम काफ़ी आगे पहुँचा सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि ऐसा पहली बार यहाँ हुआ है और ये जो कारवां है ये काफ़ी आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, यहाँ सभी जो है हमारे जो युवा हैं ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिस माशरे में सिर्फ तालीम का मकसद एक नौकरी का हासिल होता है, उस माशरे में सिर्फ नौकर पैदा होते हैं, कौमी रहनुमा नहीं। और आप सभी में एक लीडर हैं, आप सभी एक टैलेंटेड लोग हैं, आप कश्मीर का नाम नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाएंगे। हमें नौकर नहीं बनना है, तालीम